नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव मंडराल और अब देश के 300 डॉग्स पर लगाए जाएंगे कैमरा। जी हां, अब ये कैमरे की मदद से आरपीएफ के जवान अब रेलवे स्टेशन और रेल्स के अंदर भी जहां वो नहीं पहुंच सकते वहां पहुंचेंगे ये कुत्ते। जी हां, अब ये शुरुआत हो चुकी है, विशाखापट्टनम से इसकी शुरुआत हुई है। इसका ट्रायल अब विशाखापट्टनम में चल रहा है कि अब जो आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसने इनके जो कुत्ते हैं अब इनके ऊपर कैमरे लगाए जाएंगे और जहां पर आरपीएफ के जवान नहीं जा सकते, जो छोटी संकरी जगह होती है जहां पे ये इंसानों का घुसना नामुमकिन और थोड़ा मुश्किल होता है, वहां पे ये कुत्ते जा सकते हैं और अच्छी तरीके से जांच कर सकते हैं। और अब बताया जा रहा है कि विशाखापट्टनम पे इन कुत्तों की मदद से निगरानी की जा रही है, जांचा जा रहा है और ये रेलवे और जो रेलवे स्टेशन है उन पे अच्छी तरीके से नजर रखी जा रही है। और इसके बाद ये विशाखापट्टनम पे ट्रायल शुरू हुआ था 26 जनवरी को। जी हां, गणतंत्र दिवस के दिन ही ये ट्रायल विशाखापट्टनम के रेलवे स्टेशनों में शुरू किया गया था और इसकी सहायता से अभी बताया जा रहा है कि अभी ये शुरुआती ट्रायल है, इसलिए आरपीएफ के जो भी कुत्ते हैं उनके ऊपर अभी डेमो जो कैमरेज है सिर्फ अभी वो इंस्टॉल किए गए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो इनके ऊपर जो कैमरेज लगाए जाएंगे वो दो तरीके के कैमरे लगेंगे, एक लगेगा उनकी गले के ऊपर की तरफ और एक लगेगा उनकी गर्दन के नीचे। नहीं है, अब जब ये कुत्ते किसी संकरी जगह में जाएंगे तो हो सकता है कि ऊपर वाले कैमरे से विजुअल्स ना अच्छे से दिखे, तो एक कैमरा नीचे भी फिट करा जाएगा इनके गर्दन पे जहां से विजुअल्स आएंगे और इनके अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस भी फिट होगा जिससे ये टाइम टू टाइम ये पता लग सकता है कि ये जो कुत्ते हैं ये कहां पे है और इनकी करेक्ट लोकेशन पता करना बहुत इजी रहेगा और वहां पे तेजी से जो आरपीएफ के जो जवान है वो पहुंच सकेंगे अगर कुछ भी ऐसी हरकतें दिखती है। और ये बताया जा रहा है कि अब ये जो विशाखापट्टनम में अगर ये ट्रायल सक्सेसफुल रहा तो ये जो चीज है ये पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पे चालू हो जाएगी, वहां के आरपीएफ के जवानों के साथ अब ये कुत्ते भी शामिल होने वाले हैं जिनके पास कैमरे होंगे, जिनके गलों में लगे होंगे कैमरे और इसकी मदद से सिक्योरिटी में, रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी में बहुत सहायता मिलेगी। और ये अच्छी बात है कि जो ये कुत्ते है ये बहुत ट्रेंड है, आरपीएफ के जवानों को इनसे बहुत मदद मिलेगी। और रेलवे स्टेशनों की प्रोटेक्शन की बात करें तो जहां तक आतंकवादी हमले का सवाल है या कुछ गतिविधियां जो ऐसी होती है जिन पे शक करा जाता है और कई ऐसे सामान होते हैं जो छुपा दिए जाते हैं और उसके अंदर पता नहीं क्या होता है, बम भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीजें हो सकती है जो खतरनाक होती है, तो जहां पे सीआरपीएफ के जवान नहीं जा सकते वहां पे भी ये अब कुत्ते जा सकते हैं, वहां उन जगहों की भी अब जांच आसानी से हो सकती है इनकी मदद से। और अगर कोई शक की बात निकल के आती है विजुअल्स में तो आरपीएफ के जवान सीधा पहुंच सकते हैं जल्दी से जल्दी उनके उन तक। और इनमें जो ट्रैकिंग डिवाइस है ये लगातार इन पे नजर रखेगा कि ये कहां जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में है। तो ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल देश ऑनलाइन। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले ताकि आप अपडेट रहे हमारे नई वीडियो।